प्लान था ऑलरेडी पिछले दस दिन पहले ही तय हुआ था क्योंकि मैं तो जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए बिज़ी हो गया था अठारह तक तो वहाँ रहना ही होगा मगर यहाँ जो झारखंड में हमारी आ, पार्टी की प्रप्रेशन यहाँ के चुनाव के लिए था तो उसको लेकर ऑलरेडी हमने दो सीनियर सेक्रेटरीज भी यहाँ लगाए और उन सेक्रेटरीज़ और पीसीसी के टीम को हमारे सीनियर लीडर्स को लेकर के एक बैठक होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि जो स्टेट का फिलहाल आठ नौ महीने से जो हम लोगों ने देखा है जो ऑर्गेनाइजेशनल वर्क है उसको लेकर हाई कमांड ने तो अपॉइंटमेंट कर दी बट यहाँ आकर उनको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉब या उनका जो काम है कार्य क्षेत्र अलग अलग करना ताकि यहाँ का काम भी सफ़र न करे और आ, फास्ट ट्रैक पर वो आगे बढ़े जो हमने प्रोग्राम हाथ में लिए हुए हैं तो इसलिए ये एक इम्पार्टेंट बैठक होना बहुत ज़रूरी था जिसके लिए मैं श्रीनगर दिल्ली रांची रात को पहुँचा और रात को ही सबको बिठा करके जो रिक्वायर्ड थे उसमें उनके साथ डिस्कशन हुआ और आपस में मिल बैठ के वो प्लान हमने आने वाले दिनों के लिए हमारी जो प्रोग्रामिंग है हमारी जो इंटरनल एक्सरसाइज है वो कैसे आगे बढ़े देखिए कोई भी यात्रा वो चला लें मगर झारखंड में जनता सेटिसफाई है हमारी कोलेशन सरकार से मैंने लगातार ये कहा कि जो हमारे मैनिफेस्टोज़ थे जिस पर 2019 में इस कोलेशन को वोट मिला इस कोलेशन सरकार ने उस दिए हुए वादे से भी आगे गरीब गुरबाओं के लिए महिलाओं के लिए और दूसरे एरियाज के लिए काम किया है और जिसका लगातार हमारा मोमेंट चल रहा है चाहे सरकारी स्तर पर आप देख लीजिए या चाहे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर तो मेरे ख्याल से अभी तक ज़बरदस्त रेस्पॉन्ड माना जा रहा है लोगों का आकर्षण है और ऐसे में बोखला तो भाजपा की रहेगी क्योंकि चार स्टेटों में चुनाव होना है जम्मू कश्मीर और हरियाणा पहले फेज में और उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड जम्मू कश्मीर दस साल से वो रूल कर रहे हैं अब उनको वहाँ रुखसत किया जा रहा है एक मजबूत कोलेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पेंथर्स पार्टी और कम्युनिस्ट की वहाँ पर है एक वाइबल और स्ट्रॉन्ग कोलेशन uh, है लोग उसको फॉलो कर रहे हैं हरियाणा में आमना सामना भाजपा और कांग्रेस का है और फिलहाल तमाम तर रिपोर्ट्स के हिसाब से वहाँ परिवर्तन हो रहा है भाजपा जाएगी कांग्रेस पार्टी आएगी महाराष्ट्र में हमारा अलायंस बहुत ही वाइब्रेंट है और मजबूती के साथ और महाराष्ट्र के लोग ये फील कर रहे हैं कि मोदी ने डाका मारा जो वहाँ इलेक्टेड सरकार थी और ख़रीद फरोख करके वहाँ इलेक्टेड सरकार गिराई उसका हिसाब किताब महाराष्ट्र वाले इस चुनाव में लेने वाले हैं अब आज आकर उनकी नजर रहेगी झारखंड पर कि झारखंड एक कोलेशन सक्सेसफुली चल रहा है जिसके लिए उनने एफ़र्ट्स किए भी यहाँ की सरकार को उथल पथल करना यहाँ के मुख्यमंत्री को मतलब अब जो कोर्ट ने भी कहा है कि कोई विटनेस नहीं है मगर कितना उनने कोशिश किया तो ऐसे में ये झारखंड मजबूती के साथ कोलेशन का साथ देगा काम किया है गरीबों का काम किया है महिलाओं का काम किया है वो परिवर्तन च, यात्रा चलाएं या कोई भी यात्रा चलाए मत झारखंड की जनता हेमंत सोरेन सरकार को कांग्रेस जेएमएम सरकार को पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ भेजेगी ये हमारा